is all about CVET 2023 registration and admission process and ek extremely important video hai सारे उन CVT aspirants के लिए जो इस बार 2023 में ये exam crack करना ही चाहते हैं। Bonus point, आज इस वीडियो में मैं ऐसी एक private university के बारे में बताने वाली हूँ जो कि CVT के scores को accept करती है for admissions and इतना ही नहीं वो इन CVT के scores के basis पर 100% तक scholarships provide करती है। बहुत सारे courses available हैं, so आप इसको consider कर सकते हो as an option। So hi everyone, welcome back to my channel. This is Ayushi and जैसे आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, वील स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेट्स के बारे में, यानी कि जो माई रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट हो रही है, कोई एक्सपेक्टेड डेट्स, एग्जाम डेट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या आपके पास? अब बात कर लेते हैं हम प्रोसेस के बारे में। सबसे पहली बात, ये पूरी प्रोसेस जो होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी ऑनलाइन, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब स्टेप नंबर वन इज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीवीटी, जहां पर एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी, विच इज cvt.samarth.ac.in। द स्टेप नंबर टू इज टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। वहाँ पर ही ना ये मतलब जब फॉर्म्स खुल जाएंगे इस वेबसाइट पे एक लिंक आ रहा होगा अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जाकर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, अपनी डिटेल्स ही हैं, उनको बस फिल कर देना है जैसे जैसे आती जाएंगी एंड ये हो जाएगा। अब हमारा स्टेप थ्री है टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आपने अपनी ऊपर जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट कर दिया, ये नेक्स्ट ही स्टेप है जिसको आपको वहाँ पर एक फॉर्म फिल करना होगा एंड ये हमारे पूरे प्रोसेस की सबसे ज्यादा मेन चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप फोर व्हिच इज टू पे द एग्जाम फी, मतलब फॉर्म फी जो भी है उस फी को हमें पे कर देना है एंड वी आर डन। अब गाइस इस एक फॉर्म को फिल करने से आप एलिजिबल हो जाओगे टू टेक एडमिशन इन वेरियस यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज इज वेल। कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है उसकी कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगी इनकी वेबसाइट पर। जैसे कि आई मेंशन वो वेबसाइट बहुत काम की, वहां पर आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारा जो पॉइंट में वन है वो यही है कि हमें उस फॉर्म को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से फिल करना है। ये जो फॉर्म है बहुत ट्रिकी है फिल करना एंड हम चाहते हैं कि इसको एक ही बार ठीक से फिल करें ताकि बाद में जाके कोई दिक्कत ना आए, जो कि पिछली बार काफ़ी स्टूडेंट्स को आई थी एंड आती ही है जनरली। ऑल्दो ये फॉर्म्स एडिट के बाद में खुलते हैं लेकिन हमें फर्स्ट टाइम ही इसको ठीक से फिल करना है। ट्रिकी फॉर्म्स है, आराम से फिल करने बहुत टाइम मिलता है, तो प्लीज़ ध्यान रखें। अब यहाँ पे फॉर्म फिल करने का स्टेप टू या फिर हम कह सकते हैं जो सेकंड पॉइंट जो आपको कंसिडर करना है फॉर्म को फिल करते टाइम, वो ये है कि आपको यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करना है अच्छे तरीके से। इसका क्या मतलब है? सो इसी फॉर्म में आपको यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करना होगा एंड अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट नहीं किया है उस फॉर्म में, दैट बेसिकली मीन्स कि आप अपने CVT के स्कोर्स को उस यूनिवर्सिटी के पास लेकर नहीं जा सकते हो, नहीं बोल सकते हो कि मुझे एडमिशन दो, क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो यही वो पॉइंट है, यही वो स्टेप है पूरे प्रोसेस का जहां पर आपको यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करना है। तो यहीं पे आपको मैक्सिमम सिलेक्शन मतलब सोच समझ के मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करना है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं लग रहा ना, तो कर ही लेना। तो बस सोच लो कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करना है जहां पर आप चाह रहे हो, जहां से आप चाह रहे हो अपनी UG PG डिग्री करना, मतलब UG डिग्री करना एंड बस टिक 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 यहीं पे आपको करना है, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे बाद में जाकर, इसको ध्यान रखना। नाउ आज प्रॉमिस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो लेट्स टॉक अबाउट अ यूनिवर्सिटी जो कि एडमिशन के टाइम पर CVT के स्कोर्स को एक्सेप्ट करती है एंड उसके बेसिस पर स्कॉलरशिप्स भी देती है, JEE मेन की रैंक के बेसिस पर भी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है एंड साथ साथ में लेटरल एंट्री की फैसिलिटी भी रखती है। Yes guys, I'm talking about Quantum University. ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एंड इट इज लोकेटेड इन रुड़की उत्तराखंड। There it has been tagged as one of the best private engineering colleges and the best placement college as well. ये यूनिवर्सिटी काफी सारे UG, PG, डिप्लोमा और इंटीग्रेटेड कोर्सेज ऑफर करती है। क्वांटम यूनिवर्सिटी की तीन USPs को मैं मेंशन करने वाली हूँ जो कि इसको स्टैंड आउट कराती है बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में। नंबर वन इज गोइंग टू बी इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन। यहाँ पर फोकस है कि आप वाइड रेंज ऑफ स्किल्स को गैदर करो साथ साथ में। एक आपको मेजर सब्जेक्ट दिया जाएगा, उसके साथ में यू कैन चूज अ माइनर सब्जेक्ट जिसमें भी आप अपनी एक्सपर्टाइज एस्टैब्लिश कर सकते हो। नंबर टू इज देयर थॉटफुली स्ट्रक्चर्ड पैशन प्रोग्राम जिसको हम प्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपको अपने पैशन को डेवलप करने की चॉइस दी जाती है। आपके जो मेन सब्जेक्ट, आपकी जो मेन डिग्री है उसके साथ साथ में आप एक स्किल को गैदर कर सकते हो, उसको आप ग्रैब कर सकते हो एंड एट द एंड ऑफ द डिग्री आप उसको शोकेस भी कर सकते हो। थर्ड USP इज गोइंग टू बी देयर प्लेसमेंट्स। यहाँ पर अच्छी प्लेसमेंट्स देखी गई है। हर साल 100 से ज्यादा कंपनीज विजिट करती है इस कैंपस को। इनके पास्ट रिक्रूटर्स में एक्सिस बैंक और TCS है एंड कंप्लीट लिस्ट के लिए पास्ट रिक्रूटर्स की आप इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बात करते हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो CVT के जो स्कोर्स है और ITJEE की जो रैंक है दोनों के बेसिस पे आपको एडमिशन भी मिलेगा, स्कॉलरशिप भी मिलेगी एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ फी वेवर इन द फर्स्ट ईयर कोर्स फी ओनली। सो काफी सारे कोर्सेज हैं, काफी सारी अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, तो आप डेफिनेटली इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हो अगर आपको CVT के बेसिस पर एडमिशन चाहिए। तो फॉर्म फिल करते टाइम जो स्टेप थ्री है या फिर जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि दो चीजें देखनी है। सबसे पहले विच यूनिवर्सिटी एंड सेकेंड चीज इज विच कोर्स। मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स करना है, इस चीज को आप माइंड में लेकर रखो पहले ही फॉर्म फिल करने से पहले। क्यों ऐसा कह रही हूँ?
यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, कोर्स सेलेक्ट कर लिया आपने, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस यूनिवर्सिटी की या उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके चेक करना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एग्जाम्पल से बताऊँ, सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुझे मैथ्स ऑनर्स करनी है, तो डीयू ने एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकाला है जिसमें उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है कि अगर आपको मैथ्स ऑनर्स करनी है डीयू से, हम आपको एडमिशन तभी देंगे अगर आप इन सारे सब्जेक्ट्स में सीबीटी का स्कोर हमारे पास लेकर आओगे। उसमें कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ती है, बट अगर आप इन सब्जेक्ट्स में सीबीटी का स्कोर लेकर आओगे, तो हमें ये देखना है कि यूनिवर्सिटी को क्या चाहिए। यूनिवर्सिटी ने बोला है कि मुझे मैथ्स तो चाहिए चाहिए, मुझे एक इंग्लिश चाहिए, मुझे फिजिक्स चाहिए सपोज, तो हमें इन्हीं सब्जेक्ट्स में अपना सीबीटी का पेपर देना है। इसलिए सीबीटी का फॉर्म फिल करते टाइम हमें यही सब्जेक्ट्स को टिक करना है जो कि यूनिवर्सिटी ने बोले हैं, एंड ये हमें इन्फॉर्मेशन गाइड में मिल जाएगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर भी ना थोड़ा कैच है, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी है। जैसे डीयू ने बोला है कि आप लोग उसी सब्जेक्ट में सीबीटी का पेपर दे सकते हो जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है। सपोज मैंने ट्वेल्थ में पढ़ी है फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश, तो मैं खाली इन पांच पेपर्स में ही सीबीटी दे सकती हूँ, मतलब खाली इन पांच सब्जेक्ट्स को ही मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ सीबीटी में, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर मेरा सजेशन यही रहेगा, जिन भी कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो, जिन भी कोर्सेज के लिए आप उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो, उन सारे कोर्सेज को फिल करो एंड मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करो। अब मैं बता देती हूँ कि क्या क्या पेपर तो देने ही चाहिए। सबसे पहले हमारा जनरल टेस्ट होता है, जनरल टेस्ट आपको देना ही चाहिए, इवन इफ आपका जो कोर्स है वो ये नहीं मांग रहा कि आपको जनरल टेस्ट सबमिट करना है, जनरल टेस्ट के सीबीटी स्कोर्स लेकर आने हैं, फिर भी आपको जनरल टेस्ट देना चाहिए। सेकंड चीज़ मीडियम, तो मीडियम तो कंपलसरी है, किस मीडियम में, मतलब क्या लैंग्वेज होगी जिसमें आप पेपर अटैम्प करोगे, वो तो है। तो और चीज़ आती है लैंग्वेज की, लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर आपका कोई लैंग्वेज कोर्स आप नहीं करना चाह रहे हो तो ठीक है, तो फिर मत दो, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे साइंस कोर्स अगर आप करने वाले हो तो फिर उसमें लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती, सपोज फिजिक्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, वहाँ पर भी कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, तो छोड़ दो। बात आती है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए, तो माय सजेशन इज कि जो भी सब्जेक्ट्स आपने ट्वेल्थ में पढ़े हैं उन सारे सब्जेक्ट्स में ही आप सीवीट का पेपर दे दो। हमारे पास टोटल 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आप मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट इतने भी कोई नहीं करता है। एंड जो फोर्थ स्टेप है वाइल फिलिंग द सीबीटी एप्लीकेशन फॉर्म, वो है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना। अब कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे इस फॉर्म में आपको डालने ही हैं, उसकी लिस्ट आप नोट कर लो अभी से, एंड यू हैव टू कीप दीज डॉक्यूमेंट्स हैंडी। उस टाइम आपको इनकी स्कैन कॉपीज अपलोड करनी होगी ऑनलाइन, तो अभी आपको स्कैन कॉपीज रेडी रखनी चाहिए। फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज गोइंग टू बी क्लास 10th सर्टिफिकेट और मार्कशीट। क्लास 10th का एक सर्टिफिकेट का मार्कशीट एक ही चीज़ आती है, वो होनी चाहिए, एंड ये तो सबके पास होती ही है, तो दिस इज ओके। सेकंड चीज़ आती है हमारा 12th का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट। अब जो लोग ऑलरेडी पास कर चुके हैं 12th, मतलब काफ़ी ड्रॉपर्स भी बहुत बारे पेपर दे रहे होते हैं, उन लोगों के लिए तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, उनके पास मार्कशीट होती है, एंड जिनके पास नहीं भी है उनके लिए भी टेंशन की बात नहीं है। जस्ट आपके आपको एक अंडरटेकिंग देनी होती है आई गेस यहाँ पे, कि हम अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं। अगर हम अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, दैट बेसिकली मीन्स कि जब हम पास कर लेंगे तो हम आपको प्रूफ दे देंगे, हम आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट दे देंगे, बट अभी हमारे पास नहीं है। जो हमारी थर्ड चीज़ है वो है स्कैन फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। बेटर होगा अगर आप कलर फोटो ले लो, इसको एक पर्टिकुलर साइज में, साइज फॉर्मेट मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उस पर्टिकुलर साइज फॉर्मेट में आपको स्कैन करके रखना होगा। ये सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिली जाएंगी। फोर्थ चीज़ है स्कैन सिग्नेचर, सिग्नेचर मतलब साइन करके उसका एक बॉक्स में साइन करके उसका स्कैन, मतलब उसको स्कैन करके उसको अपलोड करना होता है, तो इस फाइल को भी ऑलरेडी बना के रखो, ये JPEG PNG फाइल्स होंगी, ठीक है। एंड फिफ्थ जो डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायर्ड है, दैट इज गोइंग टू बी आर कास्ट सर्टिफिकेट। जनरल वालों को इसका नीड नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी किसी कास्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, BPL रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उन सबको ये वाले सर्टिफिकेट्स बना के रखने होंगे, क्योंकि उस टाइम पे वो नीड होती है, एंड यही टाइम है जब ये सर्टिफिकेट्स अपलोड होंगे, सो इनको भी आपको हैंडी रखना है, रेडी रखना है। सो बस इन चार पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए, इन चार स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, एंड आई थिंक कि ठीक से हो ही जाएगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत आए ना किसी भी स्टेप पे इस फॉर्म को फिल करते हुए, तो आप ऑब्वियसली कमेंट्स में तो मुझे बता ही सकते हो, आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू गाइस। नहीं तो एक CVD 2022 करके प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर ना डिटेल में हर स्टेप वाइज मैंने बता रखा है। अब एक बार फटाफट से हम एडमिशन प्रोसेस भी देख लेते हैं कि कैसे आप यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो थ्रू CVT का एग्जाम। स्टेप नंबर 1 इज कि आपने इस ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर दिया एंड सबमिट कर दिया उस पे वेबसाइट पे। स्टेप नंबर 2 है कि एप्लीकेशन क्लोज हो गई, मतलब क्लोज हो गई, अब हम एप्लीकेशन न्यू एप्लीकेशंस नहीं डाल सकते। स्टेप नंबर 3 इज कि रीओपन होती है एप्लीकेशंस फॉर एडिटिंग। ये खाली जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस है, मतलब जो हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं बिफोर द डेट ऑफ क्लोजर, उनको एडिट करने के लिए, उसमें भी सब कुछ एडिट नहीं कर सकते होते, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं वही अलाउड होती है टू एडिट। नाउ फोर्थ इज फाइनल सबमिशन, फॉर्म्स का फाइनल सबमिशन हो गया, सारा एक हंग खत्म हो गया। फिफ्थ इज रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड्स, अब आपके एडमिट कार्ड्स रिलीज होंगे एंड उसके साथ साथ आपको सेंटर्स भी अलॉट हो जाएंगे कि कहाँ पर जाकर आपको पेपर देना होगा, क्योंकि ये एक CVT पेपर है, सेंटर पे जाकर हमें ऑनलाइन कंप्यूटर पे पेपर देना होता है।
द सिक्स स्टेप इज इम्तिहान की घड़ी. अब यहाँ पर आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा. ये एंट्रेंस एग्जाम स्लॉट्स में कंडक्ट कराया जाता है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा. आपको एंट्रेंस देके आना है. सिक्स स्टेप डन. सेवन स्टेप इज कि आपके रिजल्ट्स आएंगे. दैट बेसिकली मीन्स कि सीबीटी का रिजल्ट आएगा. सीबीटी के स्कोर्स आएंगे, मतलब जनरल टेस्ट में कितना स्कोर किया, इस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया, मैथ्स में कितना किया, फिजिक्स में कितना किया. ऐसे आपको सीबीटी के स्कोर्स मिल जाएंगे, जिसको आपको यूनिवर्सिटीज में लेके जाना होगा नेक्स्ट स्टेप में, विच इज गोइंग टू बी आर एट स्टेप. और वो ये है कि यू हैव टू सिट फॉर काउंसलिंग ऑफ रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज. दैट बेसिकली मीन्स कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करने का सोच रहे हो, जहाँ से भी आपको अपनी डिग्री करनी है, उस यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको फॉलो करना होगा. सपोज अगर मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स ऑनर्स जैसा कोर्स करना है, तो मैं डी यू की काउंसलिंग प्रोसेस को फॉलो करूंगी. वो क्या है, वो ये है कि स्टेप नंबर वन वहाँ पे होता है डी यू सी एस ए एस पोर्टल पे जाके अप्लाई करना. उस पोर्टल पे अप्लाई करना का मतलब क्या है कि आपको जाकर वहाँ पे रजिस्टर करना है, एक अकाउंट क्रिएट करना है अपना. स्टेप टू होता है कि उस अकाउंट में जो डिटेल्स होती हैं उसको फिल करना होता है. वहाँ पर सारी डिटेल्स, मतलब वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, वो बाद की बात है, उसको आपको फिल करना होता है. एंड वहाँ पर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भी डालनी होती है कोर्स वर्सेस यूनिवर्सिटी की, वो चलो बाद की बात है. देन आपका स्टेप टू आता है कि आपके कट ऑफ रिलीज होती हैं, उसके बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होता है. फिर आप नेक्स्ट स्टेप में चूज करते हो कि मुझे एक्सेप्ट करना एडमिशन या मुझे रिजेक्ट करना एडमिशन. एंड उसके बाद फाइनली आप फी पे करते हो. तो वैसे आपको रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में जाना होगा, क्या लेकर, अपने उन सीबीटी के स्कोर्स को लेकर जो आपने सीबीटी के एग्जाम को देखकर जो आपको मिले हैं बेसिकली, ठीक है. एंड बस एडमिशन हो जाएगा. सो गाइस, यही था हमारा सीबीटी 2023 रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन प्रोसेस. आई होप दैट इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा हेल्प किया होगा. एंड यस गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आई होप दैट यू रियली लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज टू हिट द लाइक बटन, टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. सीबीटी के बारे में तो ऑब्वियसली वीडियोस आने ही वाली अगले 2 से 3 महीनों में. सो या, and I'll see you in my next video. Till then, keep watching my other videos as well related to college and earning money online and everything. Bas, bahut karte hain, tada.